हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ महिला प्रकोष्ठ का राज्य भर में पौधारोपण अभियान जारी। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मीना शर्मा, राष्ट्रीय पदाधिकारी सरोज यादव तथा प्रदेश महामंत्री सुनीता महावर्ग के मार्गदर्शन में राज्य भर में महिला प्रकोष्ठ की टीम पौधारोपण कर रही है। महासंघ की मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि सिरोही व भरतपुर में पौधारोपण किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डिंगार में कर्मचारी महासंघ की प्रदेश मंत्री श्रीमती आशा देवड़ा, जिला अध्यक्ष सुश्री सविता कुमारी गर्ग, गणगौरी भवर सिंह मेड़तिया ने पौधारोपण किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद इकरन भरतपुर में वृक्षारोपण किया। भरतपुर जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी ने बताया, विद्यालय में बरगद, पीपल, नीम, अमलतास, गुलमोहर, जामुन एवं अनेक औषधीय पौधे लगाए गए हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुपमा तेवतिया ने पौधे लगाने के लिए बरसात का मौसम उत्तम बताया। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। कोरोना संक्रमण ने दुनिया को ऑक्सीजन की महत्व अच्छी तरह से समझा दी है। कार्यक्रम के तहत विद्यालय स्टाफ के साथ कार्यकारिणी की सदस्य सुषमा शर्मा, दीपशिखा, अनु फौजदार, लक्ष्मी सोगरवाल, रेणु कुमारी एवं सुमन शर्मा उपस्थित थी। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।